हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भार्गवी मैम एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, क्लास की लिंक को शेयर कर दें और क्लास की लिंक को शेयर करते हुए क्लास में आप लोग एंट्री कीजिएगा। तो जल्दी से अब हम लोग अपना जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, वो हमारा अब एंड वाले पोजीशन पे आने वाला है। उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे, रैपिड रिवीजन भी करेंगे। ओके, तो चलिए आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा 19 चैप्टर है, जो कि सिंपल अप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। यानी अभी तक जो हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, मीन्स एक फंक्शन का अनेक बार डिफरेंशिएशन करना, ये सब चीजें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की पढ़ लिया है। अब डिफरेंशिएशन का यूज हम अपने दैनिक जीवन में देखें या कहाँ कहाँ उसका यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन की सहायता से हम कैसे जो हमारे आसपास चीजें होती हैं, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरह हम डिफरेंशिएशन का यूज करके क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं या उनको हम डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हमारा इसमें इस चैप्टर में आता है सबसे पहला वाला पॉइंट, वो आता है किसी भी राशि के परिवर्तन की दर निकालना। किसकी सहायता से? डिफरेंशिएशन की सहायता से, मींस राशियों में परिवर्तन की दर निकालना। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर। अब वो कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है, कोई भी राशि हो सकती है। आपकी त्रिभुज हो सकती है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, आपका गोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, आपका कोई भी, जैसे कि अगर आप लोग देख लो त्रिज्या हो सकती है, और अगर आसपास देखना चाहो तो ऐसी कुछ वस्तुएं हो सकती हैं जिसमें आपको परिवर्तन की दर निकालना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जितनी भी राशियां हैं किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हम डिफरेंशिएशन की सहायता से उनके जो दर होती हैं किसी के सापेक्ष, उनको डिफरेंशिएशन करके हम लोग उस वेरिएबल, जो भी उस क्वांटिटी में वेरिएबल आता है उसी के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन लगाएंगे वो सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात, इसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी पढ़ेंगे, यानी ह्रासमान और वर्धमान। इस चैप्टर के बाद इसी चैप्टर में लगभग में आपका एक आता है क्या, सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेट। वो भी बहुत छोटा टॉपिक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, एक या दो नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा जाएगा, स्पर्श रेखा और जो हमारा अभिलंब होता है, टेंजेंट एवं नॉर्मल, वो चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ राशियों को देखते हैं, कुछ राशियों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग डिफ्रेंसिएशन की मदद से कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेग की। किसकी बात करते हैं? वेग की। तो आपको पता है जो बेग होता है, यदि बेग को हम भी से डिनोट करें तो बेग किसे कहते हैं, आप लोग को पता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। तो आपका हो गया विस्थापन, जिसे हम लोग यस से डिनोट करेंगे, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है वेग। ओके, तो अब विस्थापन में परिवर्तन की दर कैसे, इसमें परिवर्तन विस्थापन में कब होगा? समय के सापेक्ष होगा, ठीक है, समय के सापेक्ष दूरी बढ़ेगी। यानी क्या होगा, यदि हम इस यस का क्या करें, टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो यही तो होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। और यही किसके बराबर हो गया? वी के बराबर। मीन्स यदि यस का मान, कोई विस्थापन दिया हुआ है और वेग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा है,
तो उस विस्थापन में टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। ओके, अब यहां से एक चीज देखिएगा, यहां से एक चीज देखिएगा, यदि हमें त्वरण निकालना है, क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, तो त्वरण को हम ए से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल एफ से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब त्वरण क्या होता है, आप लोगों को पता है जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर होती है, क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर होती है। अब वेग परिवर्तन की दर, वेग भी समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा, तो वेग परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, भी का हम लोग टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दें। यदि भी का टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, यानी जो वेग परिवर्तन की दर, इसी को तो हम कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से यदि हमें इसे लिखना होगा तो यहां से देखना, ये हमारा वेग बराबर कितना आया था, विस्थापन परिवर्तन की दर। मींस यदि इस वेग की वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, ds अपान dt, क्यों, क्योंकि वेग बराबर ds अपान dt है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इस x का t के सापेक्ष पुनः अवकलन होगा कि नहीं, तो इससे आप लोग क्या कहोगे, d2s अपान dt स्क्वायर कहोगे कि नहीं। यानी यदि विस्थापन दिया है और त्वरण पूछ रहा है, तो इस विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है, यानी उस विस्थापन को t के सापेक्ष दो बार डिफ्रेंसिएट कर देंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। ओके, डायरेक्ट यदि आपको पूछ दिया कि विस्थापन दिया है, त्वरण पूछा है, तो इस विस्थापन को, यस को दो बार टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएट कीजिएगा, आपको ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब यहां से एक चीज देखिएगा, हमें एक चीज और पता है, वो क्या है, इसी ए को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, वो क्या है, हमें चाहिए डीवी अपान डीटी, क्यों, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डीवी अपान डीएस इंटू डीएस अपान डीटी लिख सकते हैं कि नहीं, डीएस डीएस कैंसिल, डीवी बाई डीटी मिला कि नहीं। यदि हमें विस्थापन परिवर्तन की दर पता है और हमें क्या पता है, यदि आपको ये दिया है, वेग में विस्थापन के सापेक्ष परिवर्तन दिया है और ds by dt दोनों में से कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे देखना, इस ds by dt को आपको वेग दिया है, वेग दिया है और उस वेग का क्या दिया है, इस विस्थापन के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन दिया है, परिवर्तन दिया है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भी बराबर ds by dt, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर भी इंटू dv अपान ds, ये भी आपका एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ये तो आपके कुछ ऐसे क्वांटिटीज हुए, जैसे वेग हुआ, त्वरण हुआ, वैसे वृत्त में क्या होता है, आप त्रिज्या का कर लोगे, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या कैसी होगी, समय के सापेक्ष त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। यदि त्रिज्या में, अगर वृत्त की बात करें, सर्कल की बात करें, तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं। जैसे सपोज डेट करो, एक बलून हम लोग लेते हैं, गुब्बारा लेते हैं, ठीक है, उसको फूंकते हैं तो वो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता जाता है, यानी समय के साथ उसका आयतन बढ़ रहा है। अब गुब्बारे को फूंक रहे हैं तो उसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो भी तो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो रेडियस में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और रेडियस में परिवर्तन होने के लिए जो हमारा आयतन है उस बलून का, वो भी परिवर्तित हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चीज पता रहता है, उसको डिफ्रेंसिएट करते हैं, एक बार डिफ्रेंसिएट, दो बार डिफ्रेंसिएट, तो हमें क्या मिल जाती है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां से एक चीज और पूछती है, जिसपे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि यक्स बराबर दिया है क्या आपका, यदि एक्स बराबर जो फंक्शन है, मान लो वो टी का फंक्शन है, और जो वाई है वो भी हमारा क्या है, टी का फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है।
अब हमें क्या निकाले थे, प्राचलिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, प्राचलिक समीकरण जिसमें x किसी और का फंक्शन होता है, y किसी और का फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम वेग की बात करें, वेग की बात करें तो v बराबर क्या होता है, रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी टी का होल स्क्वायर। यानी जब दो अलग अलग फंक्शन दिए हों, कि एक ही वेरिएबल के दो अलग अलग फंक्शन दिए हों, तो उनका उस वेरिएबल के साथ एक डिफ्रेंसिएशन करके उसका स्क्वायर क्या करते हैं, रूट में ऐड कर देते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाता है वेग का, ठीक है। और आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहीं से यदि ए या एफ दोनों में से कुछ भी लिखा रहता है, आपके बुक में ए भी लिखा है त्वरण के लिए और एफ भी लिखा है, ये आपका वेग हो गया और ये आपका त्वरण हो गया, क्या हो गया, ये आपका त्वरण हो गया। तो ए निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा, आपको जितना वेग दिया है ना, तो वेग परिवर्तन की दर, यानी ये क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी इसका जब टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जब त्वरण पूछेगा तो इसी का टी के सापेक्ष दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ओके। प्लस वैसे इस वाई का त्वरण निकालने के लिए दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आपका आ जाएगा डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंसिएशन का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे दो बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इसका स्क्वायर, क्लियर है। तो ये वेग का होता है और ये हमारा त्वरण का होता है। तो ये प्राचलिक समीकरण में होता है, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को बताऊंगी यहां से। तो चलिए क्वेश्चन कैसे स्टार्ट, कैसे लगाते हैं वो देखिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले बेसिक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताएं, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, ओके। त्रिज्या के सापेक्ष हमें वृत्त के परिधि में भी और वृत्त के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर बताना है, और जब त्रिज्या कितनी हो, 3 सेंटीमीटर हो, कैसे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूले पता होने चाहिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको शंकु के आयतन, शंकु का वक्र, वक्र गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, समबाहु त्रिभुज का आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो जितने भी फार्मूले बनते हैं आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मेन ये फार्मूले पर ही डिपेंड करता है, अगर फार्मूले याद है तो डिफ्रेंसिएशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए ही हुए हैं। तो त्रिज्या के सापेक्ष किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। जैसे ये आपका एक वृत्त हो गया ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वाला टर्म, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि यदि हम पी से लेते हैं परिधि को, तो ये आपका वृत्त का परिधि 2πr हो जाता है। तो इस परिधि का भी त्रिज्या के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी इस परिधि का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है, ओके। अब यहां से देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी ये वृत्त है, इसके क्षेत्रफल, यानी ये पूरा एरिया जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये वृत्त की परिधि हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है, अब हमें त्रिज्या के सापेक्ष, y का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते थे x के सापेक्ष,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर के सापेक्ष, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी परिवर्तन की दर निकालना है। अब चलो परिधि क्या हुई, 2πr, तो किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो dp/dr त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। त्रिज्या हमारा क्या हुआ, त्रिज्या हमारा क्या है, r है, त्रिज्या हमारा क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dr 2πr, ठीक है। और यहाँ से जब 2πr का r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2π कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इस r का r के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आपका परिधि का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितना हुआ, 2π हो गया, ओके। अब यहां से देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी a बराबर दिया है πr². अब इस एरिया का भी हमें त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है, यानी dA/dr इक्वल टू d/dr πr² होगा कि नहीं। परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, वही चीज है यहां पे। अब देखिएगा ये क्या हुआ, यहां से ये आपका dA/dr कितना आया, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 2 × r आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि वृत्त की परिधि का त्रिज्या के सापेक्ष, तो यहाँ पे r की तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, बात खत्म। वृत्त की परिधि हमारी कितनी हो गई, वृत्त की परिधि में परिवर्तन जो हुआ वो हुआ 2π, लेकिन क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ कब, जब त्रिज्या 3 cm हो, यानी ये r की वैल्यू क्या, r की वैल्यू 3 cm, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, ये आपका हो जाएगा 2π × 3, तो कितना हो जाएगा, 6π, क्या हो जाएगा, 6π। अब यहां से देखना, ये हो गया आपका 6π, 6π क्या, 6π क्या, यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दोगे तो एक नंबर तो कट ही जाएगा, दो नंबर का क्वेश्चन होगा तो हाफ नंबर या एक नंबर एग्जामिनर काट लेगा, क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6π cm², क्या, 6π cm², ये आपका हो गया उस वृत्त का, उस वृत्त के एरिया में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर 6π cm². क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज करके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये पहला है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन दिए थे, परिधि का और क्षेत्रफल का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे परिधि, परिधि का भी 2π cm होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीज के, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, 85 में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से डिफ्रेंसिएशन आई गया है, फार्मूला याद रहेगा, तो आप किसी भी चीज को आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चन क्या है, बीज के अंकुरित होने के 3 दिन पश्चात, एक समय दिया है टी, ठीक है, 3 दिन पश्चात पौधे की ऊंचाई t-0.002t² से दी जाती है, ठीक है। किसी कोई बीज है उसके अंकुरित होने के 3 दिन पश्चात, यानी 3 दिन के बाद, टी कोई दिन होगा, ठीक है, उसकी ऊंचाई इतनी दी जाती है। पूछा क्या है, बताइए अंकुरित होने के 7 दिन बाद,
कितने दिन बाद? 7 दिन बाद पौधा किस दर से बढ़ रहा है, पौधा किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊंचाई दी है पौधे की, पौधे की जो ऊंचाई दी हुई है यच, पौधे की ऊंचाई जो यच दी हुई है कितनी है? टी माइनस 0.002 टी स्क्वायर। अब क्या दिया है? 3 दिन के पश्चात। अब उसमें परिवर्तन की दर पूछा है, क्या पूछा है? परिवर्तन की दर पूछा है, यानी टी समय में परिवर्तन की दर होगा। तो यदि इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दे, क्योंकि समय के सापेक्ष तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, तो यहां से जब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? जब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, टी का टी के सापेक्ष, माइनस ये कांस्टेंट है पहले तो ये बाहर निकलेगा, ये 2। अब टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 × t होगा, होगा कि नहीं? अब देखो, क्योंकि हमें पौधा किस दर से बढ़ रहा है यानी ऊंचाई में परिवर्तन कितनी हो रही है, तो ऊंचाई में परिवर्तन तो समय के सापेक्ष ही होगी ना, तो समय क्या है? 3 दिन में दिया है, ठीक है, तो इतने दिन में इतना परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए, इतने दिन में इतना परिवर्तन, 3 दिन में इतना परिवर्तन हो रहा है, कितना? ये चलो वैल्यू कितनी हो गई? 1 − 0.004 × t। तो 3 दिन में इतना परिवर्तन हुआ, तो पूछा क्या है? 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कितना परिवर्तन होगा? तो जहां टी दिया है ना वहां 7 रख दो, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, जितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकल के आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 1 − 0.t = 7, 1.0004 × 7 होगा कि नहीं? अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 − 0.028, होगा कि नहीं? 7 × 4 = 28, यहां से हो गया 0.028 हो गया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, जब 1 में से इतना को घटाएंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 7, यहां से 9.0, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? ऊंचाई में परिवर्तन की दर, ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। तो इसको सफिक्स में t = 7 कर देना, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? dH/dt t = 7। 7 दिन के बाद अगर आप पूछे कि पौधे में ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितनी हुई, तो आप कहोगे 0.972। तो क्या ये मीटर में बढ़ेगा? नहीं, मीटर में तो बढ़ेगा नहीं, सेंटीमीटर में ही बढ़ेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में ही पौधा ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। तो 7 दिन बाद पौधे में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितनी हो गई? 0.972। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है। चलिए, हो गया सभी का? चलिए, तो ये क्या हो गया? dH/dt 7 दिन बाद हमारा परिवर्तन की दर कितना हो गया? 0.972 सेंटीमीटर, कितने दिन पे? 1 दिन पे, ठीक है, 1 दिन पे, यानी पर 7 दिन पे निकाले है ना, तो ये आपका हो जाएगा पर दिन या डे कर सकते हो, ठीक है, पर डे। तो 0.972 सेंटीमीटर पर डे उस पौधे में उसके ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, 7 दिन बाद। 7 दिन बाद उस पौधे में परिवर्तन की दर कितनी है ऊंचाई में? 0.972 सेंटीमीटर पर डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, गोले वाला क्वेश्चन आ गया। अब गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो चलिए, दिया क्या है क्वेश्चन में? क्या दिया है? एक गोले का अर्ध व्यास
एक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है। एक गोला है, उसका अर्धव्यास एक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है, यानी हर सेकेंड एक सेंटीमीटर उसका अर्धव्यास बढ़ रहा है। व्यास नहीं, अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। तो दिया क्या है, पूछा क्या है, तो उसके आयतन तथा वक्र पृष्ठ के बढ़ने की दर का अनुपात निकालिए। अनुपात दिया है, यानी सबसे पहले तो हमें उस गोले का आयतन निकालना होगा, आयतन में परिवर्तन की दर निकालना होगा, उसके बाद वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर निकालना होगा, उसके बाद जब जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। जबकि गोले का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर हो, अनुपात कब निकालेंगे, जब अनुपात निकालेंगे उस टाइम वहां पे उस गोले का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर रखा जाएगा। तो चलिए यहां से हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गोले वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोले का, अब ये देखो गोले का अर्धव्यास, सबसे पहले जो गोले का अर्धव्यास है, अर्धव्यास यानी क्या है, आर है, क्या है, आर है। अब दिया क्या है, इस आर में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, इस अर्धव्यास में परिवर्तन की दर दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिया है कि नहीं। अब देखिए, अब हमें गोले का आयतन देखना है, क्या देखना है, गोले का आयतन, क्योंकि गोले का आयतन और गोले के वक्र पृष्ठ के परिवर्तन की दर का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन कितना होता है, सभी लोग याद करें, गोले का आयतन कितना होता है, भी इक्वल टू, यदि आयतन को वॉल्यूम को भी मानते हैं तो भी इक्वल टू 4/3 πr³। क्या यही होता है गोले का आयतन, क्या यही होता है 4/3 πr³। क्या सही है 4/3 πr³। चलिए अब यहां से देखिए, अब यहां से देखते हैं, तो गोले का आयतन दिया है, अब गोले के आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, ठीक है। तो कब परिवर्तन होगा, समय के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन होगा, यानी इस भी का टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएट करते हैं, तो ये क्या हो गया, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन की दर हो गई, यानी उसके आयतन में परिवर्तन की दर हो गया। तो यहाँ पे भी हम टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 π कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3r² और dr/dt होगा कि नहीं। अब यहां से देखिएगा, dv/dt कितना आया, ये आपका 3 कैंसिल आउट, 4πr². अब देखो कितने समय पर, कितने सेंटीमीटर पर दे रहा था, कितना उसका अर्धव्यास होना चाहिए था, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए था, तब उस गोले के आयतन में परिवर्तन की दर पूछा था। तो जब 3 रखा था, यानी यदि यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से यदि हम लोग 3 का² कर देंगे इनटू dr/dt, dr/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिया है कि नहीं। अब यहां से देखिएगा, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये cm² हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से dv/dt कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 36 πr, क्या आयतन है ना, तो आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, cm² × cm³, ये हो गया cm³/s, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन कितना निकल गया, 36 πr³/s, ठीक है।
एक सेकेंड में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये क्या हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां से देखिएगा, अब हमें क्या पूछा है, अब हमें उस गोले के वक्र पृष्ठ, उस गोले के वक्र पृष्ठ का परिवर्तन की दर पूछा है। तो चलिए गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है ये भी याद करिए आप लोग, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या यही होता है, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, क्या ये सही है, सभी लोग एक बार कमेंट करें। सॉरी, देखिए यहां से क्या हो गया, गोले का वक्र पृष्ठ हमने लिखा, गोले का वक्र पृष्ठ कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन की दर, तो हमेशा वेरिएबल के सापेक्ष ही परिवर्तन होता है, तो अगर गोले का वक्र पृष्ठ दिया जाए तो ये अगर वक्र पृष्ठ को यस से सरफेस यानी एस से डिनोट करें तो इसमें वेरिएबल क्या है आर है, तो इसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकलेगी, इस आर के सापेक्ष निकलेगा, यानी डी एस अपान डी आर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी अपान डी आर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये आपका हो गया ds by dr, 4 पाई तो कांस्टेंट है बाहर चलाएगा और r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 into r होगा कि नहीं, r कितने बार, r दिया है आपका 3 सेंटीमीटर पर, सॉरी कितना दिया है ये r का, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में भी परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा t के सापेक्ष, यहाँ पे ये r था, सॉरी वक्र पृष्ठ में भी परिवर्तन आपका किसके सापेक्ष हो जाएगा t के सापेक्ष हो जाएगा ना, तो यहां से क्या हो गया ये आपका हो गया 2 पाई r, ये t लिख लो, t लिख दो यहां से, तो ये आपका हो गया 2 इंटू आर dr अपान dt, कितना dr अपान dt, तो यहां से क्या हो गया हमें t के सापेक्ष निकालना है, परिवर्तन की दर किसके, समय के सापेक्ष उसके वक्र पृष्ठ में भी परिवर्तन होगा और समय के सापेक्ष उसके आयतन में भी क्या होगा परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चलिए यहां से हमें समय के सापेक्ष निकालना था, ओके, क्योंकि एक सेंटीमीटर कितना dr अपान dt की वैल्यू हो रही थी, ठीक है, प्रति सेकेंड हमें क्या निकालना था, हर चीज में परिवर्तन की दर निकालना था, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब इस सरफेस का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे भी टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी आर अपान डी टी, यहां से 2 इंटू आर और डी आर अपान डी टी, क्लियर है। अब यहां से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमें t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था, अब यहां से क्या होगा, r बराबर हमें 3 सेंटीमीटर पर, अर्धव्यास r बराबर 3 सेंटीमीटर पर हमें क्या करना है, उस वक्र पृष्ठ के क्षेत्र, उस वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर निकालना है r बराबर 3 सेंटीमीटर पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 पाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहां से 8 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 है और डी आर अपान डी टी, डी आर अपान डी टी की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 24 पाई, क्या हो जाएगा 24 पाई। अब क्या पूछा है, अब पूछा है आपका उस गोले के आयतन, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, और उस गोले के वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, क्या पूछा है अनुपात पूछा है, यानी ये हो गया गोले के वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर कितना हो गया, ये आपका हो गया गोले में आयतन, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर 36 पाई
और यहां से क्या आया है, गोले के वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर 24 पाई। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यदि बटे में भी रहता तो कैंसिल आउट हो जाता, बचता क्या हमारा, यदि 4 से काटते हैं 6 से काटते हैं तो 6 4, यदि 2 से भी कट जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 2, 3:2, ठीक है। यदि 12 से काट देते हैं 12 3 36, 12 2 24, तो आपका रेशियो कितना आ गया, 3:2। क्या है 3:2, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर और गोले के वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, आप लोग ले लीजिए स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट। पहले तो हमने गोले गोले का आयतन में परिवर्तन की दर निकाला, गोले में वक्र पृष्ठ के परिवर्तन की दर निकाल दिया था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम यहां से देख लेते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, एक कण द्वारा 30 सेकेंड में चली गई दूरी यस बराबर 180 t माइनस 16 t स्क्वायर है, तो कण का वेग तथा कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या दिया है, किस समय वेग शून्य हो जाएगा, वो समय भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है दूरी, क्या दिया है, 180 t माइनस 16 t स्क्वायर, ठीक है। अब दिया है 30 सेकेंड में चली गई दूरी है, तो 30 सेकेंड बाद इस दूरी में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 30 सेकेंड बाद इस दूरी में जितना परिवर्तन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कण का वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कण का वेग हो जाएगा, क्योंकि दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष कितना होता है, वही आपका वेग भी होता है। तो वेग भी बराबर कितना हो जाएगा, इस दूरी में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है, ds बाई dt। तो क्या हो जाएगा, जब इस s की वैल्यू को t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें वेग प्राप्त करना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 16 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2 into t, ठीक है, 2 into t। अब देखिए यहां से क्या पूछा है, यहां से पूछा है, ये तो कण का वेग हो गया, क्या हो गया, उस कण का वेग हो गया। अब हमें त्वरण निकालना है, त्वरण यानी a, और a बराबर क्या होता है, dv/dt, और यही dv/dt किसके बराबर होता है, d2s/dt स्क्वायर के होता है। यानी जब हम इस वेग में परिवर्तन की दर में इस वेग की वैल्यू रखेंगे ना, वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो हमारी वेग होती है। तो v बराबर जब हमने ये वैल्यू पुट किया तो हमारा कितना आया, d2s/dt स्क्वायर। यानी जैसे मैंने पहले भी बताया था, त्वरण प्राप्त करने के लिए उस विस्थापन में दो बार हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, हमें त्वरण मिल जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसी मान को हम एक बार पुनः t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस ये 16 2 32 बाहर, और टी का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, त्वरण की वैल्यू कितनी हो गई, त्वरण की वैल्यू a इक्वल टू 32, कितनी हो गई, a इक्वल टू 32, ओके। अब यहां से देखिएगा, ये देखिएगा, अब देखो यहां से कोई मात्रक नहीं दिया है ना, यहां से कोई मात्रक नहीं दिया है कि ये दूरी किलोमीटर में है कि दूरी मीटर में है, तो आप क्या कर देना, सिर्फ मात्रक लिख देना, क्यों, क्योंकि मात्रक जिसके अकॉर्डिंग होगा आपका वही मात्रक हो जाएगा। यदि आपको मात्रक नहीं दिया है तो सेम इसके आगे आप मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका मात्रक हो जाएगा, ओके। अब देखो
अब क्या पूछा है, बेग निकल गया, त्वरण निकल गया। पूछा क्या है, किस समय बेग शून्य हो जाएगा। बेग कितना आया है, बेग आया है 180 माइनस 32 टी। किस समय ये बेग शून्य हो जाएगा, तो चलो यहां से टी निकाल लेते हैं। तो टी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 बराबर 32 टी। तो टी बराबर कितना हो गया, 180 बटे 32, ठीक है, 180 बटे 32। तो कितना हो गया, अगर इसको काटे हम लोग तो चार से काटते हैं तो चार जो 16 और चार पांच 20 और यहां से चार बटे 32। अब ये कटेगा नहीं, तो जो आपका समय हुआ, जो आपका समय हुआ 45/8। क्या 45/8 एक ऐसा समय है जिसपे आपका बेग क्या हो जाएगा, आपका बेग जो है वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बेग जो है वो आपका बेग शून्य हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे भी मात्रक नहीं पता है कि ये घंटे में आएगा कि किस में आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या मात्रक, आपको सेकेंड मिनट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप मात्रक लिख सकते हो क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट दिया नहीं है कि किलोमीटर में है कि मीटर में दूरी है, ठीक है।